उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी के अराजी लाइन अंतर्गत ग्राम नागेपुर में आशा ट्रस्ट और लोक समिति के संयुक्त तत्वाधान में किशोरियों को माहवारी पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए शुक्रवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नागेपुर, बेनीपुर, हरसोज, बीरभानपुर, हरपुर आदि गाँव से आई करीब 60 किशोरी लड़कियाँ शामिल हुई। कार्यशाला में किशोरी लड़कियों को संतुलित भोजन एवं उनके पोषक तत्वों, माहवारी में स्वच्छता एवं पोषण व्यवहार, हैंड वॉशिंग प्रक्रिया, किशोरा अवस्था में किशोरियों का सही वजन आदि के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही रक्षण, शिक्षण, पोषण, प्यार, सेनेटरी पैड का ध्यान रखने, लौह तत्व बढ़ाने, हरी साग सब्जी खाने, माहवारी पर खुलकर बात करने के प्रति सचेत किया गया। लड़कियों को बताया गया कि माहवारी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन किशोरियों को खुश रहने के लिए शरीर में आयरन की कमी को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए आयरन की गोली जरूर खानी चाहिए। इस मौके पर किशोरियों को माहवारी के संबंध में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से लघु फिल्मों को दिखाकर माहवारी विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में आई मुख्य प्रशिक्षक महिला चेतना समिति की संयोजिका शर्मिला ने लड़कियों को ग्रुप चर्चा और खेल के माध्यम से समझाया कि किशोरा अवस्था में कई प्रकार के बदलाव किशोर और किशोरियों के शरीर में आते हैं, जिनके बारे में संकोच और झिझक के कारण वे किसी से नहीं पूछ पाते। किशोरियों के शरीर में विशेष प्रकार की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जिसे माहवारी या मासिक चक्र कहते हैं, जिसका उनके शरीर पर गहरा असर पड़ता है। ऐसे में वे एनीमिया संक्रमण से जूझती रहती हैं, लेकिन परिवार इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेता। लैंगिक विषमता के कारण उनकी पोषण संबंधी जरूरतें भी शरीर की आवश्यकता अनुसार पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल करना परिवार के वयस्कों का कर्तव्य एवं किशोरियों का बुनियादी अधिकार है। कार्यशाला की शुरुआत लोक समिति के संयोजक नंदलाल मास्टर और महिला समूह की संयोजिका अनीता पटेल और महिला चेतना समिति की शर्मिला ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम का संचालन सोनी ने किया। इस अवसर पर प्रेमा, चंद्रकला, मधुबाला, सरोज, आशा, सोनी, अनीता आदि लोग शामिल रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए मंजय कुमार की रिपोर्ट, वाराणसी।